गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द क्लास 11th फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का जो कोर्स है उसको शुरू करने से पहले हम उसके कुछ फिजिक्स में काम आने वाली जो मैथमेटिक्स है उसके बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। उसके जो बेसिक है उसको हम पहले एक बार देखेंगे, जो आप लोग पढ़ चुके हैं कुछ फॉर्मूलेज है या फिजिक्स में जैसे काम आते हैं मैथमेटिकल्स रूल्स है वो आपको आने ज़रूरी होते हैं। कई बार बच्चा क्या करता है कि ये सब कुछ आते हुए भी उसमें गलती करता है। तो आज हम बेसिक सीखने जाने हैं 11th क्लास को शुरू करने से पहले, जो 11th क्लास के फिजिक्स में जो मैथ्स यूज़ होगी उसका बेसिक्स हम अभी करने जा रहे हैं। तो कुछ दिनों का हमारा जो क्लास होगा वो बेसिक्स के ऊपर होगा। बेसिक आने के बाद में आप फिजिक्स के डेरिवेशन को इजीली कर सकेंगे, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप इजीली सीख सकेंगे। तो इसलिए हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक पार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे को अभी तक मैथ्स में थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन एवरेज है, लेकिन हम एक एक चीज़ उसको बताने जा रहे हैं ताकि मैथ्स फिजिक्स के अंदर वो डेरिवेशन में कहीं भी रुके नहीं, उसके बेसिक्स मजबूत हो, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का रोल होता है। ठीक है, 80-90% मैथमेटिक्स होती है उसमें। तो आपको बेसिक शुरू 11th क्लास ऐसा सिस्टम है कि उसको शुरू करने से पहले आपको मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए। अब कोई भी फंडामेंटल्स है वो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन सारे नॉर्मल केसेस में होते हैं तो वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। देखो, आप लोग सब जानते हैं कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप लोगों ने कई बार किया है, लेकिन कई बार बच्चा 10th पास करने के बाद में भी वो गलती करता है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट हमने शुरुआत इसकी यहाँ से करी है। देखो, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है +2x + 4x, ठीक है, दोनों साइन अगर प्लस के है तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना हम इसको क्या करेंगे, ऐड करते हैं, वी ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है, कितना हो जाएगा +6x। ठीक है, यहाँ पर सेकंड केस में देखो +5x है, -3x है। जब भी ऑपोजिट साइन आता है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसमें देखो 5 में से 3 को माइनस किया तो कितना हो गया 2x। अब इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 और 3 में से आपको ये चेक करना है कि 5 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 5 के ऊपर 5 ग्रेटर नंबर है, तो 5 के ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर किसका 2x करेंगे, +2x। नेक्स्ट कंडीशन आती है -4x -2x। अब देखो इस केस में दोनों ही नेगेटिव के साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये साइन जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 4 + 2 किया तो कितना हो गया 6, लेकिन साइन जो है वो किसका लगेगा, नेगेटिव साइन ही लगेगा। जब दोनों वैल्यू माइनस में आ जाती है तो हम साइन किसका लगाते हैं, नेगेटिव का लगाते हैं। यहाँ पर वैल्यू किसकी हो गई, -6x। अब यहां पर -7x -3x, ठीक है, तो यहां पर भी कितना हो गया, -10x। अब मान लो मैंने सपोज करो कि यहां पर इसके अंदर मैंने ऐसा कर दिया होता कि -7x +3x, तो यहां पर इसका रिजल्ट कितना हो जाता, -7 में से ये 3 गए तो कितना हो गया 4x, क्योंकि ग्रेटर नंबर किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 4x हो गया इसका रिजल्ट। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिजिक्स के अंदर भी मैथमेटिक्स का जो रोल है उसमें मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे क्या है कि जो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन उसकी साइन जो है उसमें मिस्टेक करते हैं। तो हमने ये लेक्चर जो बनाया है बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर हमने बनाया है। जो बच्चा 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देता है फिर भी कई बेसिक वीक होने की वजह से बच्चा रुक जाता है। तो नाउ प्लस, देखो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, प्लस। सेकंड कंडीशन, प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस के साथ होता है तो क्या होगा, माइनस। माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं प्लस के साथ करता हूँ तो वो क्या होगा, माइनस। और माइनस का जब मैं माइनस के साथ में मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला गया है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब के साथ में, अब देखो आपके पास में दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी बेस इक्वल होता है तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई, 3 + 2, x की पावर 5।
इसी तरह से x इंटू एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई x क्यूब। तो आप लोग सब जानते कि when बेस आर इक्वल देन वी एड द पावर, जब भी बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेस a की पावर x प्लस a की पावर y है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x प्लस y, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं इन फॉर्म ऑफ ए बाइनोमियल, दैट इज 2x प्लस 4y, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2x माइनस 3y से। तो 2x को मैं पहले 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस 4y को 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर कितना हो गया 2x को 2x से किया तो कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6xy प्लस 4 टू जा 8xy माइनस 4 थ्री जा 12y स्क्वायर। नाउ 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया माइनस 6xy प्लस 8xy। अब देखो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम, तो यहां पर कितना हो गया ग्रेटर नंबर किसका है हमारे पास में प्लस का है, 8 ग्रेटर है, इन दोनों में से 6 और 8 में से ग्रेटर नंबर कौन सा 8 नंबर है, तो यहाँ पर 8 के आगे साइन कौन सा लगा हुआ है पॉजिटिव साइन लगा रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2xy प्लस का 2xy माइनस 12y स्क्वायर। नेक्स्ट एक और आती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, a की पावर x अपॉन a की पावर y। ध्यान रखना बच्चों जब भी इसमें a की पावर x और a की पावर y में देखो दोनों का बेस a है, ठीक है, तो जब भी हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a की पावर y का जो साइन है वो क्या है प्लस है, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा a की पावर x माइनस वाई, ठीक है, a की पावर x माइनस वाई हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 5 है अपॉन 2 की पावर 3 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 2 की पावर 5 माइनस 3। नाउ 5 माइनस 3 किया तो कितना हो गया 2 की पावर 2। नेक्स्ट आता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। अब देखो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है अनइक्वल है, जब भी बेस अनइक्वल होता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको a अपॉन b की होल पावर m की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर दैट इज वैल्यू विल बी 5 अपॉन 7 का स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी यूज द बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज भी कई बार फिजिक्स के डेरिवेशन में होता है, सो दैट फर्स्ट वैल्यू इज a प्लस b की होल पावर 0। ध्यान रखना बच्चों कोई भी वैल्यू की होल पावर जब 0 आती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। नाउ सेकेंड आइडेंटिटी इज a प्लस b की पावर 1 दैट इज वैल्यू विल बी a प्लस b। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग सब जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आती है a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये सारी आइडेंटिटी, इसके आगे भी आइडेंटिटीज कुछ और है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।